हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमेंद्र मौर्य और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा म्यूजिक यूट्यूब वीडियो पर यूज करना चाहिए और आपका कोई भी म्यूजिक अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट कॉपी राइट आ जाता है, तो वो क्यों होता है और कैसे आता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, और बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको वहाँ पर सारे जो भी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको बार बार मिलते रहें। तो चलिए, यहाँ पर आज बात करते हैं कि आपको म्यूजिक लगाते ही यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आ जाता है, और आप चाहें उस पर 10 सेकंड का वीडियो बनाते हैं या 30 सेकंड का बनाते हैं और आप वहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक वहाँ पर यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है यूट्यूब पर। तो क्या होता है कि आप जो भी म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो किसी कंपनी का ऑथराइज होता है और वहाँ पर उस कंपनी की परमिशन आपको लेने पड़ती है उसे यूज करने के लिए। क्या होता है, जो यूट्यूब पर आपको तरह तरह के वहाँ पर देखते हैं, जैसे आपको स्टेटस वीडियोज मिल जाते हैं तो उन पर आपको लगता है कि 15 सेकंड का वीडियो तो आप उसे यूज करते हैं वहाँ पर नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पर आपको चाहे 2 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आना होता है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता ही आता है। तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, अपने आप वीडियो में आपको म्यूजिक आपको लगता है अरे मैं अब म्यूजिक कैसे यूज़ कर पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है कि आप म्यूजिक यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये ज़रूर हो सकता है कि आप म्यूजिक थोड़ा अलग तरह का यूज कर सकते हैं और उससे बेहतर भी हो सकता है। और आपको उन्हीं को यूज़ करना है तो उससे पहले आपको कंपनी का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से ही वीडियो पर आपने म्यूजिक यूज करते रहेंगे और सॉन्ग वगैरह इस तरह के हिंदी वगैरह चाहे जो भी हो, तो उससे क्या होता है आपके चैनल चल तो जाएगा मतलब, लेकिन कुछ समय के लिए चलेगा। जैसे यूट्यूब को वहाँ पर पता चलता है तो उस समय ही आपके चैनल पर जो आपका वीडियोज है वहाँ पर उसको बंद कर दिया जाता है और उस पर आपके जो व्यूज़ वगैरह आने रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आप उन पर उससे कैसे आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो वीडियोज़ वगैरह पर आप म्यूजिक यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको यूट्यूब का जो म्यूजिक लाइब्रेरी होती है वहाँ से आपको म्यूजिक डाउनलोड कर लेना है। आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको नहीं पता है तो आपको मेरे इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा कि आप किस तरह से यहाँ पर म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा किस किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर अभी तो मैं आपको मैनुअल बताने वाला हूँ कि आपको जो म्यूजिक डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले अपने आपको यूट्यूब अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करते ही आपको वहाँ पर साइड में कॉर्नर पे एक आपको आइकन मिल जाएगा जहाँ पर लॉगिन का है, तो आपको जो आपके चैनल पे फ़ोटो वगैरह लगा रखा है तो वो आइकन दिखाई देगा, तो आपको वहाँ पर उस पर क्लिक कर देना है। तो आपको वहाँ पर तीसरे चौथे ऑप्शन पर आपको यहाँ पर स्टूडियो क्रिएट स्टूडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वहाँ पर खुल जाएगा। अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं तो आपको ये पहले से ही पता होगा, आपको नहीं पता है तो आपको पहले से ये कर लेना है। और आपको सबसे नीचे चले जाना है, तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पे, तो यहाँ पर आपको नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर आपको म्यूजिक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड, आपको जो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो पर आप जो म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं तो वो हमेशा यूट्यूब लाइब्रेरी से डाउनलोड किया हुआ ही यूज करें, नहीं तो इससे अगर आप उसी को वीडियो पर यूज करते हैं तो बार बार उससे क्या होता है कि आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और आपके चैनल को धीरे धीरे या जो वीडियोस हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, और उससे क्या होता है आपका चैनल हो सकता है परमानेंटली यूट्यूब की तरफ से बंद कर दिया जाए। तो आप ऐसा ना करें, आपको जब भी म्यूजिक यूज करना है तो आपको पहले यूट्यूब लाइब्रेरी से वहाँ से अच्छा सा चूज़ कर लीजिए, आपको जिस तरह का भी म्यूजिक चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाता है और वहाँ से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है, अगर आपको कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर वीडियोज़ पे म्यूजिक लगाना है, तो आपका जो वीडियो बना रहे हैं वो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए और आपको जो बता रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर वीडियो पर आपको म्यूजिक की ज़रूरत हो, आप जो बताना चाहते हैं तो वो आप ऐसे भी बता सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को जो वीडियो देखता है उसको हमेशा ये नहीं होता है कि हर वीडियो पर म्यूजिक हो, क्योंकि जब उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको देखना चाहता है कि जो आप बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, उससे उसको मदद मिलती है या नहीं मिलती है। तो उससे क्या होता है कि उसके जो यूट्यूब के लिए या वीडियो बना रहा है तो वहाँ पर उसको थोड़ा हेल्प हो जाती है, और उससे क्या होता है आपकी वीडियो के जो ग्रोथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से ही आप फ्रेंड यहाँ पर म्यूजिक वगैरह यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ कॉपीराइट फ्री यहाँ पर म्यूजिक जब मिलते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे तो कुछ जगहों से आपको मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ से आपको परमिशन चाहिए होती है, और वहाँ से 100% नहीं होता है कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जब यहाँ
से YouTube लाइब्रेरी से आप म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से 100% होता है कि आपको वहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो आप जब भी यहाँ से नेक्स्ट टाइम से जब म्यूजिक यूज करना हो किसी भी तरह का तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको चाहे सॉन्ग के टाइप से चाहिए हो, चाहे आपको मतलब जहाँ से आपको लगता है कि म्यूजिक का कोई ऐसा हो जिसमें कोई आवाज़ ना हो और नॉर्मल खाली सादा म्यूजिक हो, तो उस तरह से आपको हर तरह के वहाँ पर ऑडियो मिल जाते हैं। क्लासिक हो या डांस में हो या पॉप हो रैप हो, मतलब जिस टाइप का आपको वहाँ पर म्यूजिक चाहिए वहाँ पर मिल जाता है। तो वहाँ की लाइब्रेरी से आप डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।